आज के वीडियो में हम SSR 2021-22 PDF को एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैं गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ PDF टू एक्सेल। उसके बाद PDF टू एक्सेल के ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। आपको ये दो नंबर के ऑप्शन पे एक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद आपकी PDF फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट PDF फाइल इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे SSR को रखा है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू एक्सेल, मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ। अपलोडिंग फाइल, फाइल अपलोड हो रही है। इसको अपलोड होने को 10-15 सेकेंड लगते हैं, आपको थोड़ा पेशेंट रखना है। फाइल अपलोड होने के बाद फाइल कन्वर्ट होती है एक्सेल में, उसे थोड़ा सा वक्त लगता है, 20-25 सेकंड कम से कम लगेंगे, और आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंट रखना है। अपलोड कंप्लीट, फाइल कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। कन्वर्टिंग PDF टू एक्सेल का ऑप्शन आ चुका है। PDF टू एक्सेल फाइल कन्वर्ट हो रही है। इसे कम से कम 30 सेकंड तो भी लगते हैं, थोड़ा पेशेंट रखिए और नेट को बंद मत कीजिए। फाइल कन्वर्ट होने के बाद बगैर डाउनलोड करे ही वो सेव का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। फाइल थोड़ी बड़ी होने की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन आ चुका है, आप उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं भी करेंगे तो सेव का ऑप्शन आता है। मैं डेस्कटॉप पे ही एक्सेल फाइल के सेव करता हूँ, इसलिए सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। SSR 2021-22 की अब मेरे सामने एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड हो जाने की वजह से अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। SSR 2021-22 की एक्सेल की फाइल को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। इसमें हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना पड़ती है। इन्होंने जो PDF को एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है वो टेबल 1, 2, 3 इस तरीके से किया है। ये शीट का नाम है। टेबल 1 हमारे कुछ काम का नहीं, इसी तरीके से टेबल 2, 3 जो काम के नहीं है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। चौदह नंबर के टेबल के बाद ये 15 नंबर का टेबल है। यहाँ पे मुझे SSR का जो मेन कंटेंट है वो मिलता है। इसे मुझे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना है। सबसे पहले इस शीट का मुझे नाम चेंज करना है, 1.01। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, रीनेम पे क्लिक करूँगा, 1.01 शीट का नाम मैं चेंज कर दूँगा। अब मुझे ये एक के ऊपर जो ये एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देना है। मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो उसे चेंज कर लीजिए। उसके बाद होम टैब में फॉर्मेट बटन पे ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दीजिए।
आपके पास ये एक्सेल फॉर्मेट SSR का यूज़ के लिए रेडी है। इसी तरीके से दूसरे नंबर की शीट पे जाना है, 1.19 इसका जो पहला नंबर शुरुआत हो रहा है, मैं शीट का नाम दे देता हूँ, मैं रीनेम करता हूँ इसे 1.19। इसी तरीके से इस एरो पे क्लिक करता हूँ, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसकी साइज़ चेंज कर देता हूँ। आपको जो साइज़ पसंद हो वो साइज़ यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, जो फ़ॉन्ट पसंद हो वो फ़ॉन्ट को आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। होम टैब में फॉर्मेट पे ऑटो फिट हाइट पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से तीसरे टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके हिसाब से ये 17 नंबर का टैब है, 2.01, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करता हूँ और 2.01 इस शीट का नाम देता हूँ। इस एरो पे क्लिक करता हूँ, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके 10 पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ फॉन्ट चेंज करता हूँ। होम टैब पे फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ऑटो फिट उस पर क्लिक करता हूँ। इसी तरीके से अगली शीट पे क्लिक करता हूँ, उस पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम पे क्लिक करता हूँ, 3.01 इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसे सिलेक्ट करना है, होम टैब पे फॉर्मेट इस पैनल के अंदर, सेल पैनल के अंदर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके ऑटो फिट रो हाइट करना है। इस तरीके से उसके बाद की शीट को भी मैं चेंज करके बताता हूँ। राइट क्लिक करना है, 3.35A इस तरीके से शीट का नाम मैंने चेंज कर दिया है। इसे कंट्रोल ए करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस एरो पे क्लिक करके भी इसे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट चेंज करना है, उसके बाद फॉन्ट की साइज़ पहले मैंने चेंज किया, उसके बाद फॉन्ट चेंज करना है, उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करके ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करना है। इस तरीके से पूरे SSR को चेंज करते जाना है और उसे आप इजीली फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल एस करके बंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा।